आटा तो थोड़ा सा रखा हुआ है शाम वाला, बट राइस बना लेती हूँ साथ में, तो छोले के साथ में राइस अच्छे लगते हैं और सही भी रहेगा। तो मैंने ना यहाँ पे पहले इन्हें भिगा के रखा हुआ था राइस को, आधे घंटे पहले मैंने भिगा दिया था और अभी मैंने बना दूँगी। ऐसे ना खिले खिले बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं हल्का सा घी डाल के। और अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, बट फिलहाल तो नहीं है मेरे पास। एक सीटी में ये हो जाएंगे क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भिगा के रख दिए थे। अगर आप नहीं भिगाते हैं ना, फटाफट से बना रहे हैं तो तेज़ गैस करके फटाफट से दो सीटी लगवा दें और फिर उस सीटी को निकालें ना, आधी सीटी निकाल दें आधी ऐसे ही छोड़ दें तो वो अच्छे से बन जाएंगे। और मैंने इन्हें भिगा के रखा है तो मैं बनाऊँगी इन्हें, एक सीटी लगवाऊँगी बस, उसके बाद बंद कर दूँगी। और हो रही है ये सब्जी गर्म, यहाँ पर मैंने सामान ये कस्टर्ड निकाल के रख दिया है और ये चटनी निकाल के रख दी है और ये यहाँ पर छोले बन के रेडी हो गए हैं। और ये हैं लाल मिर्ची, इन्हें मैं सुखा के आ जाती हूँ बाहर धूप में क्योंकि धूप निकल आई है अच्छी, तो मैं इन्हें ना यहाँ पे रख दूँगी, यहाँ धूप अच्छी आ रही है और थोड़ी देर बाद तो और भी ज़्यादा आ जाएगी यहाँ, तो यहीं रख दूँगी इन्हें मैं। क्या कर रही हो तुम? और अभी मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे दूध की जो मलाई होती है उसमें से मक्खन निकाल रही हूँ। और जो दूध की मलाई होती है ना, मैं उसे इकट्ठा करती रहती हूँ 10-15 दिन की, जब हो जाती है उसके बाद ही निकालती हूँ क्योंकि क्वांटिटी भी थोड़ी ठीक ही हो जाती है, अदरवाइज़ तो बहुत कम क्वांटिटी होगी, क्या ही निकाल पाएंगे। तो सुबह को मैंने ये निकाला है और मेरी हालत कैसी हो रखी है क्योंकि बालों में मैंने चंपी करी है। और इसे पता है बहुत जल्दी घी कैसे बनाना है मक्खन से आपको, कि जैसे ही आपने मक्खन को निकाला आपको गर्म करने के लिए रख देना है इसे, और उसके बाद में आप इसे फ्रिज में रखते हैं, मतलब जब ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रखते हैं 4-5 घंटे के लिए, उसके बाद ये जम जाएगा और नीचे जो भी पानी या मठा सा जो रह जाता है ना वो इजीली निकल जाता है, जिससे टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है और कढ़ाई भी जलती नहीं है इस तरीके से, अदरवाइज़ तो ज़्यादा जलती है। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के और इधर ये हो रहा है यहाँ पे पानी गर्म कायू के लिए, क्योंकि कायू को नहलाना है और पानी गर्म पानी से ही नहलाना पड़ता है क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड है। और ये यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, यहाँ पे ये बाबू भी आ गया है, हाय, तो फ़ोन आ गया। मैं नहीं दे देती हूँ बाइक की चाबी, आई थिंक कहीं जा रहे हैं ये, इधर ना मैंने कपड़े वॉश करे थे तो यहाँ पे ये हाथ से ही धुले थे तो उन्हें ना मैं ड्रायर कर देती हूँ जिससे जल्दी सूख जाए, और फिर नीचे पानी गिरता है ना। आवाज़ लगा के दो। और अभी कर रही हूँ मैं खाने की प्रिपरेशन, तो आज मैं बना रही हूँ कासी फल की सब्जी। आप क्या बोलते हैं, कुछ लोग पेठा भी बोलते हैं, कुछ लोग कद्दू भी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं पता है, बट हमारे यहाँ पे काशी फल बोलते हैं। तो मैंने ऑयल गरम कर लिया है, उसके बाद मैं राई और जीरा मेथी और जीरा भूनने के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक और प्याज को डाल दिया है। ये भुन रहे हैं जब तक, तब तक मैं साइड में कट कर लेती हूँ टमाटर, क्योंकि काशी फल की जो सब्जी होती है ना वो खट्टी मीठी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और पूड़ियों के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे को काशी फल की सब्जी ना पूड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती है, वो ज़मीन पर बैठने वाली जो दावत होती है ना उसकी याद आ जाती है, जो कि मेरी फेवरेट है। और इसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी मसाले, आप अपने अकॉर्डिंग डालें कि क्या क्या मसाले आप खाते हैं नहीं खाते। मैं तो सिर्फ नमक मिर्च और धनिया डालती हूँ, गरम मसाला कभी नहीं डालती। बहुत रेयरली होता है कि जब कोई आ रहा है घर पे तो फिर थोड़ा सा स्पाइसी करना पड़ता है, अदरवाइज़ तो मैं बहुत कम मिर्ची खाते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसीलिए मिर्ची कम डालती हूँ मैं। और ऊपर से मैंने ये टमाटर डाल दिए। अभी कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कि आपने पहले टमाटर क्यों नहीं गलाए हैं, तो काशी फल की सब्जी में मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ जिससे कि सब्जी खट्टी खट्टी सी रहती है, पहले डाल दो तो वो टेस्ट नहीं आता है। और अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूँ। यहाँ पे ये सब्जी बन रही है और ये हो गया है घी गरम, और देखो इस तरीके से ना कितनी जल्दी हो जाता है, आधे टाइम में हो जाता है और ये बन चुका है घी, तो मैं ना गैस को ऑफ कर दूंगी।
और अभी कायू खाने के लिए बोल रही है कि मेरे को खाना दे दो, मतलब बोल ही रही है, टाइम हो गया उसके खाने का तो मेरे को बना के देना है। और बच्चों का तो आपको पता होगा आजकल की बच्चे कितना खाना मांगते हैं, खाने से तो उन्हें जितना ज़्यादा दूर रखा जाए ना वो उतना ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तो मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही हूँ क्योंकि खाना बनाने के बाद में मेरे को अभी और भी काम करना है। एक्चुअली मेरे को ना बाहर अभी क्लीनिंग करनी है क्योंकि फ्लोर ना बहुत ज़्यादा गंदा सा हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो पोछे से हट जाएगा बट नहीं हटा। तो मैं अभी खाना बना के उसके बाद मैं उसे क्लीन करूँगी, फिर तब नहाऊंगी मैं, क्योंकि अभी नहा लूँगी तो फिर क्लीनिंग करते टाइम वापस से गंदी हो जाऊँगी। तो आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ खा लीजिएगा। और किस किस की पर्सनल फेवरेट है ये काशी फल और पूड़ी और रायता का कॉम्बिनेशन, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो आए आप भी इंजॉय करें। इसके बाद में अभी मेरी जो काम है वो शुरू हो गया है बाहर आके। आप देख सकते हैं फ्लोर पे ये ब्लैक ब्लैक से निशान एक्चुअली में पानी के पड़े हुए हैं। यहाँ पे आई थिंक पानी भरा रह गया है ना, बारिश वगैरह का पानी, बारिश का तो नहीं आएगा यहाँ पे, पता नहीं कैसे, आई थिंक इन लोगों ने धुला वुला है तो उसका पानी अच्छे से नहीं निकल पाया है। तो ये बहुत गंदे निशान हो रहे हैं और 20 दिन से कंटिन्यू पोछा लगा रही हूँ मैं, घस घस के पोछा लगा रही हूँ इतना ज़्यादा, बट फिर भी ये निशान नहीं हट रहे हैं। तो फाइनली मेरे को ये हारपिक से क्लीन करना है इसे। और ये एकदम न्यू हारपिक है, टॉयलेट का यूज़ किया हुआ नहीं है, तो मैं इसे करूँगी। और इसके बाद वैसे भी मेरे को नहाना ही है, तो इससे ना ये सारे जो निशान है ये सारे हट जाएंगे। और मैंने यहाँ पे ना एक स्क्रबर ले लिया है और इसे करने के बाद में ना फ्लोर इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है, इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था। अभी तो मैं एडिट कर रही हूँ, मतलब एकदम चिकना चिकना हो गया और अच्छा भी लग रहा था। और पहले क्या हो रहा था कि मैं पोछा भी लगा रही थी ना, तो उसके बाद ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मतलब मैंने अभी क्लीनिंग करी है, पोछा लगाया है, तो एकदम वाइट टाइल्स यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है। पहले तो मैंने पता है स्क्रबर से ही पूरा क्लीन किया बाहर तक, उसके बाद में मोप से क्लीन किया, फिर उसके बाद में एक बार सूखे कपड़े से पोछा। तो तीन तीन बार आज मैंने इसे क्लीन करा है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ आज। लड़की ने ना अपने लिए ये मिक्की माउस लगवाया है, एक दिन शादी में आया था तो तब से पीछे पड़ रही थी और सुबह की गई है, ये अभी तक नहीं आई है। देखो खेल रही है, एक और बच्चा है साथ में कोई, आ जाओ। देखो इसको, देखो 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 कैसे लेट लेट के खेल रही है, सारे कपड़े गंदे कर लेगी, आ जाओ, नहीं आना है उसे। तो मैं भी बना रही हूँ गाय के लिए यहाँ पे दूध, क्योंकि उसे ना दो ना टाइम से बना के तो वो खुद से तो मांगेंगी नहीं मैम, खुद ही बना के देना पड़ता है। ये बच्चे भी ना ऐसे बच्चे हो गए हैं कि खाना भी खुद से नहीं मांगते ना, भूख लगती है नहीं लगती, टाइम टू टाइम खुद देना पड़ता है। और बता क्या, इंडक्शन ये आई थिंक 2 या 3 महीने हो गए इस इंडक्शन को, और ये गंदा भी हो रहा है, रजिस्टर भी आया है, तो इसे ना साफ़ करके रखूँगी। ये ना ख़राब हो गया था, इसके जो ये बटन्स है ना ये काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, और चल ही नहीं रहा था ये बिल्कुल। तो फिर अभी ठीक करने के लिए भेजा था इसे, लेकिन इसे आई थिंक 3 महीने में आया है, ये 3 महीने बाद ही आया है। 3 महीने से वेट कर रही थी इसका कि आ जाए, बट मैंने कहना ही छोड़ दिया था, मैंने कहा जब आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये ऊपर से कुछ ये लगाया है इसके, ये तो काम ही नहीं कर रहे तो ये ठीक नहीं हुए, तो इसके लिए ये लगा दिया है यहाँ पे, इसमें दे रखे हैं। ज़्यादा नहीं यार, थोड़ा बहुत कुछ तो हो ही गई, और इंडक्शन होता है ना तो फिर इतनी आदत सी हुई है इसकी इंडक्शन की, लेकिन अभी 3 महीने में वापस से छूट गई है। तो मैं भी दे देती हूँ यहाँ पे ना गायों को दूध, और मैं ना आज दवा लेके आई थी अपनी, और फिर से इतनी सारी दवाइयाँ आ गई हैं, कैसे खाऊंगी मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन पता है एक बात बताती हूँ कि 7 दिन की जो दवा भी लेके आई थी ना मैं, तो वो मैंने पूरी खा ली है, मतलब एक भी दिन का गैप नहीं करा, और मेरे को रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है उसका। और ये मैम यहाँ पे देखनी है लैपटॉप। हेलो ये क्या है, यू वो वहाँ पे देखो काई का बड़ा है डैडी, ऊपर डाल दिया क्योंकि नीचे जगह नहीं थी रखने के लिए। ये लो अच्छे से पकड़ो, फैल जाएगा वरना, अरे फैल ना जाए भाई, अच्छे से पकड़ो पहले, थोड़ा सा पी लो उसके बाद देखो।